माता वैष्णो देवी के मंदिर में कितनी सीढ़ियां हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कपिल जाखड़ है और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर सोशल। माता वैष्णो देवी के मंदिर तक की यात्रा को देश के सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है, और इसकी वजह यह है कि माता का दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकुटा की पहाड़ियों में एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए 12 से 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है। इस धार्मिक स्थल की आराध्या देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। आप भी अगर यहाँ की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर आप सीढ़ियों या फिर ढलान वाले रास्ते से जा सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह मंदिर समुद्र तट से 5300 फीट की ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर कितनी सीढ़ियाँ हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैष्णो देवी माता के मंदिर में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। कटरा फाटक के शुरू होने से ठीक पहले एक छोटा सा मंदिर आता है और वहाँ से 740 कदम हैं, जो आपको 1.3 किलोमीटर बचाएंगे। इस बिंदु से 60 कदम और आगे चलकर आप चरण पादुका मंदिर तक पहुँचेंगे। 5 किलोमीटर तक के बिंदु तक सीढ़ियाँ की गिनती 160, 360, 540 और 560 है। उस बिंदु के बाद बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, वहाँ पर सीढ़ियों की अनुमानित लगभग 3200 प्लस या इससे अधिक हैं। भैरवनाथ में सीढ़ियों की संख्या लगभग 140, 120 और 360 के करीब हैं। अगर कुल मिलाकर देखें तो यहाँ 3500 से लेकर 4500 के करीब सीढ़ियाँ हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।